आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, साथ ही साथ वायु प्रदूषण के होने से हमें कौन कौन से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ वायु प्रदूषण को रोकने का, उसके रोकथाम का कौन कौन से प्रमुख उपाय हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रूप से जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेआर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण को जानने से पहले हम सबको थोड़ा सा जानना होगा कि प्रदूषण क्या होता है। जब हम लोग प्रदूषण को जान जाएंगे तो हमें वायु प्रदूषण को समझना और आसान हो जाएगा। जैसे कि प्रदूषण क्या होता है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित किसी भी पदार्थ में यदि अवांछनीय बदलाव आता है तो जिससे सजीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि अवांछनीय बदलाव कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ, जैसे कि पर्यावरण में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ हैं, अजैविक पदार्थ हैं, जिसमें से जैसे मान लीजिए मृदा हो गया, ये भी तो हमारा पदार्थ ही है, जैसे कि आपका वायु है, इसी तरह से आपका जल है, इत्यादि बहुत सारे पदार्थ हैं जो पर्यावरण में मौजूद हैं। इन सभी पदार्थों में से किसी भी पदार्थ में यदि आप पाएंगे कि अवांछनीय बदलाव आते हैं, यानी इसकी मात्रा में बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमारा सजीव जो होते हैं उसके जीवन शैली प्रभावित होते हैं। अगर उनके जीवन शैली पे बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम कहेंगे कि यह जो है प्रदूषित हो गया है, यानी यह एक प्रदूषण का कारण बन गया है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करेंगे तो पर्यावरण में उसके भाग के आधार पर प्रदूषण को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक आएगा आपका जल प्रदूषण, दूसरा आ जाएगा आपका वायु प्रदूषण, और तीसरा है आपका भूमि प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जाकर के देख लेंगे। वायु प्रदूषण के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ भूमि प्रदूषण के बारे में इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल प्रदूषण कम्प्लीट हो चुका है हम लोगों का, वायु प्रदूषण के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये आपके तीन भागों में बांटा गया है पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को, जिसमें से आज हम लोग प्रदूषण के दूसरे भाग यानी वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, वायु प्रदूषण जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, वायु और प्रदूषण यानी वायु का प्रदूषण, इसमें क्या हो जाएगा कि वायु जो हमारे हैं वह दूषित हो जाएंगे। ठीक है, वायु क्या हो जाएंगे, वायु हमारे दूषित हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि वायु का प्रदूषण हो जाता है। ठीक, अब ये दूषित कैसे होते हैं, कौन से मात्रा बढ़ने से, किसकी मात्रा घटने से हम कहेंगे कि हमारा वायु जो है वह दूषित हो गया है, तो चलिए एक एक करके चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वातावरण में किसी खास गैस के अनुपात में या तो वृद्धि हो जाए या फिर उसकी कमी हो जाए, तो इससे क्या होता है कि हमारा वातावरण प्रभावित हो जाते हैं, जितने भी सजीव होते हैं उनकी जीवन शैली प्रभावित हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वायु प्रदूषण की ओर दर्शा रहा है, वायु प्रदूषण को इंगित कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन जो होते हैं, जिसको हम लोग N से सूचित करते हैं, इसका जो मात्रा है वो आपका 78% है। इसी तरह से ऑक्सीजन को भी आप हम सभी लोग जानते हैं कि इसकी मात्रा लगभग 21% है। तो जो ये जो दो प्रकार के मैं आपको गैस के बारे में एग्जाम्पल के लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा कि जैसे नाइट्रोजन 78% है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा कि हमारा जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो जाएगा, ऑक्सीजन घटेगी, हमें पर्याप्त श्वसन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जिससे क्या हो जाता है ना कि हम कहेंगे कि हमारे जीवन शैली प्रभावित हो रहे हैं, यानी ये जो है वायु प्रदूषण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण मानव के द्वारा या फिर प्रकृति दोनों रूप से किसी न किसी एक के माध्यम से भी हो सकती है या फिर दोनों कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का सिर्फ और सिर्फ कारक मानव कहेंगे ऐसा कहना हमारा गलत है, ये प्रकृति कारकों पर भी निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं, आगे आपको इसी टॉपिक में समझ में सारी बातें आ जाएगी, बस पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को बारीकी से सुनते और देखते रहिए। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को किस तरह से हम सभी लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो हम सब लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब मानवीय या प्राकृतिक क्रम नहीं क्रियाकलाप, ठीक है, जब मानवीय या प्राकृतिक क्रियाकलाप से वायुमंडल में उपस्थित
गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय प्रदूषण का मतलब ये होता है कि जिसके हमें कल्पना नहीं करना है, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, अवांछनीय है, अगर उस तरह की कोई बदलाव आती है तो ये किसके कारण बनते हैं, तो ये हमारे वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब मानवीय या प्राकृतिक क्रियाकलाप के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में किसी भी तरह का अनवांछनीय परिवर्तन होता है तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरह की परिभाषा लिखने को बोला जाएगा तो इस तरह से आप परिभाषा देंगे, आपका एकदम सही होने का वहाँ पर चांस है, किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना है ही नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, यानी वायु प्रदूषण जो होते हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था इससे पहले ही कि वायु प्रदूषण हमारे प्रमुख दो कारकों पर निर्भर करता है, एक है आपके प्राकृतिक कारक और दूसरा होता है हम लोगों के द्वारा क्रियाकलाप किए जाने से भी वायु प्रदूषण होता है, यानी मानव जनित कारक। देखिए प्रकृतिक कारक में क्या होता है कि प्रकृतिक कारक में जैसे कि आप सुनते होंगे कि वन में अचानक से आग लग जाती है, कभी कभी ज्वालामुखी फट जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी जैविक पदार्थ है जैसे केले का छिलका हो गया या फिर कोई मनुष्य कोई जीव जंतु या फिर बड़े जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो उसके क्या होते हैं कि सड़ने गलने के दौरान बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं, जिसमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड एक है, एक आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड इत्यादि हैं। ये सब के निकलने से क्या होता है कि ये सारे के सारे गैस हमारे वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल में जाने के फलस्वरूप क्या होता है कि उनकी जो अनुपात होती है, मात्रा होती है, उसमें ये परिवर्तन ला देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा वायु प्रदूषित हो जाते हैं। तो ये आपके जो हैं ये प्राकृतिक कारक हैं। और मानव के द्वारा कैसे प्रदूषित होते हैं, तो जैसे कि मानव क्या करते हैं कि खाना बनाने के लिए अनेकों प्रकार के ईंधन को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन भी जलाते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे कि बहुत सारे गैस पे हम लोग खाना बनाते हैं तो इसके द्वारा भी क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। बहुत सारे कणकीय पदार्थ हैं ईंधन के जलने से, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये भी हमारे वायुमंडल में जाते हैं और वायु को ये प्रदूषित करते हैं। हमारे द्वारा वाहनों का उपयोग किया जाता है जिससे निकलने वाले धुआं, कल कारखानों से निकलने वाले धुआं, ये सारे के सारे तो वायुमंडल में ही जाते हैं ना, ये सारे के सारे क्या बनते हैं, वायु प्रदूषण के कारक बनते हैं। तो ये आपके मानव जनित कारक थे, जिसमें से आपको एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आती है, इसको ध्यान में रखना है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दहन से कौन से गैस निकलती है। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोल और डीजल के दहन से मुख्यतः जो है कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक भी होते हैं। इसीलिए जीवाश्म ईंधन के जलने से मानव द्वारा जब किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा वायु प्रदूषित होते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ तक देखा कि वायु प्रदूषण के कारक कौन थे, वायु प्रदूषण के क्या अर्थ और उसकी परिभाषा थी। अब हम लोग बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे टर्म देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक के द्वितीय स्रोत कौन है, द्वितीय कारक कौन है या फिर प्राथमिक कारक कौन है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए प्राथमिक में वो आएंगे जो डायरेक्ट रूप से एकदम से वातावरण में जाकर के वायु को दूषित कर देते हैं, और द्वितीयक में आ जाएंगे वो डायरेक्ट रूप से ना दूषित करके इनडायरेक्ट रूप से लेकिन कहीं ना कहीं दूषित करते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं। तो वह वायु प्रदूषण जो प्रदूषण सीधे क्या होते हैं कि वायु में मिलते हैं उसे प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपके मोटर वाहन के चलने से निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि डायरेक्ट वातावरण में उपस्थित हो जाते हैं और मिल करके वहाँ पर क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये आपके प्राथमिक कारक में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय वायु प्रदूषक के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें हैं, जिसमें क्या होता है कि ऐसे वायु प्रदूषक आते हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थ की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीय प्रदूषक के अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें आपको प्रमुख रूप से ओजोन देखने को मिलेंगे, स्मॉग मिलेंगे, PAN मिलेंगे, PAN को आपको अंग्रेजी में ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना ये आपके द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। प्राथमिक प्रदूषक में कौन आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएंगे इत्यादि आ जाएंगे। तो ये प्राथमिक प्रदूषक कौन थे, द्वितीयक प्रदूषक कौन थे, इन दोनों के बारे में आपने अध्ययन किया। आगे चलिए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण होने का प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें से सबसे पहला आपका कारण आ जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना, जिसका मैंने अभी व्याख्या किया था कि कैसे हमारा वायु प्रदूषित होते हैं। फिर आ जाएंगे आपका ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है या फिर आप कहेंगे तो मोटर वाहन का प्रयोग, इन सब से भी क्या होता है कि हमारा वायु प्रदूषित होते हैं।
वनों की कटाई, जब आप अधिक मात्रा में वनों की कटाई कर देंगे तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने के लिए वन का होना बहुत ज़रूरी है, जो उपयोग करके ऑक्सीजन में तब्दील करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर वन नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारा वायु प्रदूषित हो जाएंगे। इसलिए वन की कटाई भी इसमें प्रमुख होते हैं। कृषि क्रियाकलाप के द्वारा भी वायु प्रदूषित होते हैं, हमारे कल कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले धुआं से भी हमारे वायु प्रदूषित होते हैं, जैसे चिमनी वगैरह हो गए, ठीक है। इसी तरह से ईंधन का अपूर्ण दहन जब कभी भी होगा तो वहाँ पर बनता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, जो हमारे वायु प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा ये कारक प्रमुख कारक में से एक हैं। इस तरह से ये हमारे वायु प्रदूषक के प्रमुख कारण थे। अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण होने से हमें कौन कौन से नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान है कि हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं खास करके फेफड़ा से संबंधित रोग होते हैं। किससे संबंधित? फेफड़ा से संबंधित, क्योंकि हम सभी को पता है कि फेफड़ा हमारे शरीर में वायु के छानने का काम करता है, ठीक है। तो जब हम अशुद्ध वायु लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये जो हमारा छन्ना रूपी फेफड़ा है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि फेफड़ा संबंधित बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे वायुमंडल में, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक प्रमुख कारक बनते हैं। साथ ही साथ आप पाएंगे कि अम्लीय वर्षा भी होता है इसी के कारण, जैसे कि SO2 इसका प्रमुख जिम्मेदार है, ठीक है। SO2 कैसे उत्पन्न होता है, तो आपके वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। इसी तरह से आप पाएंगे ओजोन परत में भी क्षय हो जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गए, या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओजोन परत को क्षय करने के लिए। तो ये भी आपके वायु प्रदूषण के ही कारक हैं, और वायु प्रदूषण के कारण ही हमारे ओजोन परत में भी क्षय होते हैं, यानी कि CFC गैस का मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे ओजोन परत में क्षय होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के पशुओं से संबंधित भी अनेकों बीमारी आपको देखने को मिलेंगे। किसके कारण? तो वायु प्रदूषण के कारण। ये थे हमारे वायु प्रदूषण के नुकसान। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय, इसके रोकथाम के कौन कौन से प्रमुख उपाय हो सकते हैं, कौन से क्रियाकलाप है, कौन से ऐसे गतिविधि हैं जिसको हम लोग करके वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला और कॉमन यहाँ पर मैं आपको सुझाव दे रखा हूँ, वो है आपके वाहनों का कम प्रयोग। काम नहीं है ये, आपका वाहनों के कम से कम प्रयोग करना है, ठीक है, कम से कम प्रयोग करना। जैसे कि सपोज करिए कि एक बस से कोई सफ़र करता है, तो बस में क्या होता है ना कि बस में आप पाएंगे कि कोई बस से सफ़र करता है, तो बस में आप देखिए कि कम से कम 50-60 लोग आराम से बैठ जाते हैं। अगर सपोज़ करिए कि कोई सार्वजनिक या फिर कोई प्राइवेट बस में ही ट्रैवल कर रहे हैं लोग एक साथ, तो यहाँ पर 50 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं। अगर वही 50 लोग अपने अपने बाइक या फिर अपने अपने गाड़ी से सफ़र करेंगे तो क्या होगा कि 50 गाड़ियाँ चलेगी रोड पर। अब एक गाड़ी के साइलेंसर से, चूँकि बस एक ही है ना, तो एक गाड़ी के साइलेंसर से जो हवा निकलेगी सो, और 50 गाड़ियों के साइलेंसर से जो हवा निकलेगी सो, दोनों में तो अंतर आएंगे ना, बहुत ज़्यादा अंतर आएगी, थोड़ा बहुत नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर वायु प्रदूषित होता होगा। इसलिए वाहनों का कम से कम प्रयोग करना है, और ज़्यादातर क्या है कि सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना है, ठीक है, पर्सनल वाहनों का प्रयोग बहुत कम करना है, न के बराबर करना है। इससे हम वायु प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों को जलाने से बचना है हमें, विभिन्न बिना मतलब की चीज़ों को व्यर्थ जलाना नहीं है, जिससे हमें वायु प्रदूषित होते हैं वो कम हो जाएंगे। आतिशबाजियाँ कम करना है, ठीक है, आतिशबाजियाँ को क्या करना है, कम करना है। जैसे आतिशबाजियाँ, जैसे पटाखा वगैरह खुशी के माहौल पर हम लोग बहुत ज़्यादा स्मॉग वगैरह छोड़ देते हैं, तो वो सब छोड़ना नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषित हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमें विषैले गैस निकलते हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे, जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हम पाएंगे कि वायु प्रदूषण को उतना ज़्यादा हम लोग कम कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधा में ही एक ऐसा वरदान है जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ले करके ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिससे हमारा वातावरण जो है संतुलित रहता है। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो वायु प्रदूषण को होने से हम लोग रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करेंगे, जैसे कि हम सभी लोग पाते हैं कि जब हम लोग जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं या फिर कोई भी ईंधन हो, उसका अगर हम लोग अपूर्ण दहन करते हैं तो उससे क्या होता है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो वातावरण को प्रदूषित करने का एक बहुत ही प्रमुख कारक है। अगर हम लोग इसका पूर्ण दहन कर देंगे तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। इसीलिए माना जाता है कि स्वच्छ ऊर्जा का जो हम लोग अगर उपयोग करेंगे संसाधनों का, तो इससे क्या होता है कि हमें
वायु प्रदूषण कम देखने को मिलेंगे। और इस सारे तकनीकों को, इन सारे क्रियाकलापों को अगर हम अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग में लाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं और वैश्विक तापमान यानी वायु प्रदूषण से होने वाले जो हमारा पृथ्वी संकट में है, उस संकट को हम लोग बहुत समय तक के लिए टाल सकते हैं। तो ये थी हमारे वायु प्रदूषण से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट, सारी चीज़ों को आज की वीडियो में मैंने कवर किया है छोटे से वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, वायु प्रदूषण टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई नहीं समझ में आई, सारी बातें आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के आर स्टडी को। धन्यवाद।